हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम इको फ्रेंडली कैसे बने, हम विश्व को प्रैक्टिकल तरीके से पर्यावरण से कैसे बचा सकते हैं, उसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। देखिए, हमें अगर पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो हमें कोई बहुत बड़ी चीज करने की बजाय छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने हिस्से का काम करो। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सबसे पहले अपने संसाधनों का इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए। हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स दे रहे हैं जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में उतार कर आप वाकई में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। हम भारतवासी की बात कर रहे हैं खास करके, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज जो हैं हमारे इंडिया में काफ़ी हैं, जैसे कानपुर है, फरीदाबाद है, वाराणसी है, गया है, पटना है, दिल्ली है, लखनऊ है, आगरा है, मुजफ्फरपुर है, उसके बाद आपका गुड़गांव है, जयपुर है, पटियाला है, जोधपुर है, हमारा हिंदुस्तान में बॉम्बे भी है, काफ़ी पॉल्यूटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं शुरुआत करता हूँ बहुत छोटी सी चीज़ से। पहला है पानी। आप शावर लेने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाइए। ऐसा करके आप बहुत सारे लीटर पानी की बचत कर सकते हैं। दंत ब्रश करते हुए, शेप बनाते हुए पानी का नल खुला नहीं छोड़ें। ऐसा करके आप अक्सर बहुत सा पानी बर्बाद कर देते हैं। बर्तन धोते समय सारे बर्तन मांझ लीजिए, फिर एक साथ पानी में धोइए, आपका पानी बचेगा। पानी को फेंकने के बजाय किसी तरह उसका दोबारा इस्तेमाल करें। आप कपड़े धोने के बाद पानी को बाथरूम का फर्श धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा टॉयलेट फ्लश लगाएं जिनमें कम और अधिक पानी के इस्तेमाल के अलग अलग विकल्प हों। आजकल तो अच्छे जो फ्लैट्स होते हैं उनमें ये विकल्प आ गया है। आधा किलोमीटर तक की राउंड ट्रिप पैदल या साइकिल से तय करें। बहुत से लोग 100 कदम चलने के लिए भी पेट्रोल फूंक देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। एक थंब रूल बनाइए कि अगर आना जाना मिलाकर आधा किलोमीटर के अंदर है तो मैं पैदल या साइकिल से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो ऐसा करने से पर्यावरण के साथ साथ आप हेल्थ का भी अच्छा ध्यान रखेंगे। अभी आरओ का वेस्ट वाटर वेस्ट नहीं होने दें। टिपिकली आरओ में जब 4 लीटर पानी डाला जाता है तो वो 1 लीटर पीने योग्य पानी देता है, यानी के लिए 3 बर्बाद। तो थोड़ा सा एफर्ट करके आप इस पानी को बचा सकते हैं। पौधों में जब हम पानी डालते हैं तो पौधों में जो पीने वाला पानी डालने के बजाय आप कोई और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ा सा हल्का सा वेस्ट हुआ पड़ा हो। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं खुद भी आरओ से निकलने वाला पानी बचाता हूँ। उसके बाद कमरे में निकलते समय लाइट्स, फैंस और एसी ऑफ कर दीजिए। ये तो स्कूल डे से हमें सिखाया जा रहा है, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं पर अभी बहुत से लोग नहीं करते हैं। सो इफ़ यू डोंट यू कैन फॉलो इट। उसके बाद खान पान की बात करते हैं। आप सिर्फ उतना ही खाना प्लेट में लीजिए जितना आप खा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दोबारा लीजिए लेकिन बर्बाद नहीं करें। आप कहीं ना कहीं पर्यावरण को हेल्प कर रहे होंगे। रात के बच्चे खाने को फ्रिज में रखकर उसका इस्तेमाल अगले दिन करें, फेंके नहीं। हालांकि कुछ नुकसान होता है इसे, हेल्थ वाइज थोड़ा सा नुकसान करता है पर कम से कम वेस्ट तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित तो नहीं करेगा। अगर आप उसे फिर से खाना नहीं चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को खिला दें। कम बिजली का उपयोग करने के लिए बिजली का बचत करने वाले उपकरण लें। जब आप अपने एसी और कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मेन स्विच बंद कर दीजिए। कमरा छोड़ने से पहले पंखा, लाइट वगैरह सब बंद कीजिए। फिर कागज की बात कर रहे हैं, जितना संभव हो ईमेल, ईमेल आदि का इस्तेमाल करें। शीट के दोनों साइड प्रिंट लीजिए, कागज की बचत होगी। जब संभव हो रिसाइकल्ड पेपर लें। हाथ या चेहरा साफ करने के लिए टिश्यू की बजाय टॉवल नैपकिन का इस्तेमाल करें। तो ये हर चीज आप पे डिपेंड करता है। जो आप वॉश बेसिन इस्तेमाल करते हैं आप उसका फ्लो कम कर दीजिए। ये प्रैक्टिकल तरीका है पानी बचाने का। उसके बाद अपनी कार, बाइक, स्कूटी, शॉपिंग बैग्स रखें। इन सब में शॉपिंग बैग रखेंगे तो उसका फायदा होगा। पॉलीथीन वगैरह आज देखिए ना, आज पॉलीथीन वगैरह बैन होता चला जा रहा, महाराष्ट्र में बैन हो गया। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं,
जितनी देर में हार्दिक पांडे अपना एक ओवर खत्म करता है उतनी देर में हम प्लास्टिक से भरी चार गार्बेज ट्रक्स समुद्र में डंप कर देते हैं। आप सोचिए प्लास्टिक को ना कहिए, आप सोचिए मतलब कितना नुकसान होता है हमारे पूरे पर्यावरण को, खासतौर पर सब्जियां और किराने का सामान लेते समय। आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि पैसा आपका है लेकिन संसाधन जो है समाज का है। तो इस चीज को अगर आप समझ गए तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। आप 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ड्राइव कीजिए, ऐसा करने से कम ईंधन लगता है। अपने वाहन के वक्त वक्त पर सर्विसिंग कराते रहें, टायर प्रेशर का ख्याल रखें, उसमें ईंधन की क्षमता पर असर पड़ता है। कार पुलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अधिक इको फ्रेंडली विकल्प। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि हम कैसे बचा सकते हैं, जैसे यूज एंड थ्रो जो वाली बहुत सारी चीजें होती है, तो उसे यूज नहीं कीजिए, रीयूज कीजिए। नई पेन लेने की जगह उसकी रिफिल बदलवाएं। थोड़ी सी खराबी के कारण जूते कपड़े डंप करने की जगह मोची दर्जी के पास जाएं, कहीं ना कहीं पर्यावरण को आप मदद कर रहे होंगे। पुराने क्लास की कॉपियों के सादे पन्ने प्रयोग करें। हमने जो गलतियां की हैं वो हमारे बच्चे ना करें। इसके लिए जरूरी है कि हम शुरू से उन्हें पर्यावरण और उसके महत्व के बारे में बताएं। नहाने या ब्रश करते समय उन्हें भी बताइए कि तुम्हें पानी वेस्ट नहीं करना, तो बच्चों को ट्रेन करना होगा। बच्चों को ट्रेन कीजिए कि आप रूम से जब बाहर निकलो बेटा तो आप लाइट्स बंद कर दो, फैंस ऑफ कर दो, जहाँ साइकिल से जा सकते हो अगर साइकिल है तो आप बेटा वहाँ साइकिल से चले जाओ। घर का कूड़ा सड़क पर नहीं फेंके और न चलाएं। देखिए हमें यह ग्रह हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, ये हमें अपने बच्चों से उधार में मिला है। तो लेट्स बिल्ड अ ग्रीनर टुमारो, लेट्स केयर फॉर आवर एनवायरमेंट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app and never miss another update.